करीब 10 महीनों के बाद कल देश के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई, गुड न्यूज, खुशखबरी। खुशखबरी ये कि चीन की सेना लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास से पीछे हट रही है। दोनों देशों के बीच डिस एंगेजमेंट शुरू हो गया है। चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे की तरफ जाएगी और भारत की सेना दोबारा फिंगर 4 से पीछे 3 पर आएगी, जहां पर उसकी अपनी परमानेंट पोस्ट है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल खुद संसद में यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने खुद ये कहा कि इस समझौते में भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गवाई है। पेंगोंग झील के बाद दूसरे इलाकों जैसे गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग, इस पर बातचीत होगी, लेकिन एक बार जब ये प्रक्रिया डिसएंगेजमेंट की पूरी हो जाए उसके बाद इन 3 इलाकों पर चर्चा करेंगे। फिर आपको बता दूं कौन से वो इलाके, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, इस पर बातचीत होगी लेकिन डिसएंगेजमेंट के इस प्रोसेस के बाद। लेकिन राहुल गांधी इस समझौते पर भरोसा नहीं करते हैं। वो ट्वीट करके पहले ये कहते हैं कि अविश्वास है मुझे, इस पर यकीन नहीं है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी। प्रधानमंत्री ने देश का सर झुका दिया। राहुल यहां रुक जाते तो बेहतर था, लेकिन आगे गए और कहा गद्दार, कायर, विश्वासघाती, थूक कर चाटने जैसे शब्दों का, मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके। सवाल यह उठता है कि जो बात सरकार सेना के हवाले से कह रही है, रक्षा मंत्रालय के हवाले से संसद में बता रही है, उसके उलट बातें राहुल गांधी जब कह रहे हैं तो उनका सोर्स क्या है? आखिर राहुल गांधी की जानकारी का स्रोत क्या है? क्या राहुल सेना और सरकार को झूठा बताकर देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं? आज हुंकार इसी मुद्दे पर, और मैं चाहती हूं कि बहुत ध्यान से पहले आप इस रिपोर्ट को देखें। देश की संसद में रक्षा मंत्री जिसे भारत की जीत बता रहे हैं, राहुल गांधी के मुताबिक वो भारत की हार है। आज सुबह राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार चीन के सामने झुक गई और भारत की जमीन चीन को दे दी। स्ट्रेटेजिक एरिया है देपसांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है, नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी। रक्षा मंत्री ने कहा था कि लद्दाख में भारत ने 1 इंच जमीन नहीं खोई है, भारतीय सेना की बढ़त बनी हुई है। लेकिन राहुल आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कायर हैं, सेना के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। दिस इज एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस, दिस इज नथिंग एल्स। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. Rahul Gandhi ke bayan se BJP Rahul par bhadki hui hai. Unhein 62 ke yuddh ki yaad dila rahi hai. पंडित नेहरू से सवाल पूछने को कह रही है। जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की का व्यवहार हो रहा है, वो देश के लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का और बंटाधार कर रहे हैं। तो बिना मांगे भी कांग्रेस के मित्रों को सलाह देंगे कि पप्पू जी का कोच भी बदल दें और कोचिंग भी बदल दें। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से मालूम पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो वे क्या थे? उधर राहुल के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि भारत ने अपना जरा सा भी इलाका किसी देश को नहीं दिया है, बल्कि यथास्थिति में बदलाव को रोका है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा, देपसांग, इनको लेकर बातचीत पेंगोंग झील के डिसएंगेजमेंट के बाद शुरू होगी।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जो लोग सैनिकों की कामयाबी पर शक जाहिर कर रहे हैं, असलियत में वो उनका अपमान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं। इस पर मैं डिबेट करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है और वो आपको दिखा देना चाहती हूं और सुना भी देना चाहती हूं। चीन पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सेना पर भरोसा नहीं करना कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। ये देश जनता का है, ये देश जानता है कि किस तरह यूपीए की सरकार ने अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा कभी नहीं किया, उनके हाथ इनफैक्ट बांध कर रखे थे। 2008 में मुंबई पर हमले के दौरान भी यही हुआ था। नड्डा ने एबीपी न्यूज पर जो स्टोरी दिखाई गई है उसे टैग करते हुए ये बातें लिखी है। रिटायर्ड कैप्टन ये कह रहे हैं कि 26/11 के बाद हम लोग पीओके में जाकर आतंकियों के कैंपस में अटैक करने वाले थे। सेंट्रल लीडरशिप के आदेश का एक महीने तक इंतजार करते रहे लेकिन ऐसा हो ना सका। ये अब से कुछ देर पहले 16 मिनट पहले जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पलटवार किया है कांग्रेस पर। और अब जरा वो सवाल जो किसी के भी जहन में आ सकते हैं राहुल गांधी के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सवाल यह है कि चीन पर राहुल की जानकारी का सोर्स क्या है, कौन बता रहा है उन्हें। सेना सरकार पर राहुल को भरोसा आखिर क्यों नहीं है? क्या देश की सुरक्षा सियासत का मुद्दा है? पीएम के लिए कायर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए? और सवाल यह भी कि मोदी ने सर झुकाया है या फिर चीन को झुकाया है। और इस पर बातचीत करने के लिए संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, कर्नल दानवीर सिंह साहब जो कि एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत, सीधा सवाल, राहुल गांधी का सोर्स क्या है, कौन उनको ये जानकारी दे रहा है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे रही हूँ। राजनाथ सिंह, अगर आप उनका स्टेटमेंट पूरा पढ़ लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, वो क्लियरली बता रहे हैं कि हमारा डिसएंगेजमेंट कहां से हो रहा है। जो सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो आज बहुत लोग इस देश में सवाल जानना चाहते हैं कि 2020 अप्रैल में जब चीन ने घुसपैठ करी उसके बाद जो अब ये सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट हो रहा है, इसका पहला मतलब तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने सफेद झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है जून और सितंबर में 2020 में। इसका दूसरा मतलब यह है कि जो बाकी जगह है जैसे डिप्टांग है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, गलवान वैली जहां पर हमारे 20 लोग शहीद हुए, वहां के डिसएंगेजमेंट के बारे में बात क्यों नहीं करी जा रही है? राजनाथ सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल कहा है हम कहां कहां से स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कर रहे हैं, और उन्होंने उनके स्टेटमेंट में यह साफ अंकित है कि जो फॉरवर्ड पोजिशन हमने कैलाश रेंज पर ली थी हम उससे विड्रॉ करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक पोजिशन हमने ली थी उससे हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, हमें तो चीन को घुटने टिकाने चाहिए इस समय। ये वही होने जा रहा है जो डोकलाम में हुआ, फ्लैश पॉइंट से विड्रॉल, बाकी पूरे प्लेटो पे फोर्टिफिकेशन। मुझे लगता है पॉलिटिकल गेम्स को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना देशद्रोह है, ये गलत है और हम में से किसी को इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये सेलेक्टिव विड्रॉल, सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जो बफर जोन भी बना रहे हैं वो इंडियन टेरिटरी में बना रहे हैं, फिंगर 8 से फिंगर 3 तक जहां पर हम अभी तक गश्त करते थे, हमने फिंगर 10 से फिंगर 17 तक अपने गश्त के जो पैरामीटर्स हैं वो भी दे दिए। ओके, अच्छा, ये कोई टूरिस्ट या टूर पैकेज नहीं है कि इसमें आप आइटिनरी चेंज कर लें और कुछ भी जो है पॉइंट्स बदल दें निकाल दें? ये डिसएंगेजमेंट बातचीत के जरिए हो रहा है और ये धीरे धीरे फेज बाय फेज होगा। फिर आपको याद दिला दूं, ये कोई टूर पैकेज नहीं है कि आपका दिल किया कि नहीं हमने तो वहां कैलाश रेंज पर आगे बढ़ गए थे अब हम पीछे क्यों बढ़ रहे हैं। ये तो ना आप डिसाइड कर सकती हैं ना मैं डिसाइड कर सकती हूं। और दोबारा मैं पूछ रही हूं, मेरा सोर्स रक्षा मंत्री है, इस पूरे देश का सोर्स रक्षा मंत्री है, इस देश की सेना है। जब मेरे देश के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि एक इंच किसी को नहीं दी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत माता को चीर कर चीन को प्लेट में सौंप दिया? कौन कह रहा है आपको कि ये भारत माता को चीर कर सौंप दिया है? Who is that person? I want to know.
आई विल टेल यू हु इज दैट पर्सन, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वो नहीं है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ने आपको दसियों पॉइंट में ये बात समझा दी है, दसियों पॉइंट आपको समझा दिए गए हैं, पर आप समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ किसके किसके कहे पर आप ये बात समझना नहीं चाह रहे हैं। वो महानुभाव कौन है जो आपको जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है और ये बता रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास गलत नहीं है। मैंने लोकसभा में रक्षा मंत्री के पूरे बयान को सुना है। सुप्रिया श्रीनेत, मुझे बस ये बताइए आपका स्रोत कौन है, आपको कौन ये जानकारी दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा एक इंच जमीन नहीं दी है। भाई मेरे रक्षा मंत्री ने कहा एक इंच जमीन नहीं दी है। आप किस देश के रक्षा मंत्री की बात कर रही है सुप्रिया श्रीनेत, किस किस देश के रक्षा मंत्री की बात कर रही है? उन्होंने कहा हॉट स्प्रिंग, देपसांग, इन सब पर बातचीत तब होगी जब ये वाला डिसएंगेजमेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ कोई सर्कस नहीं खेला जा रहा है, एक के बाद एक सारे गेम हो जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत, आप जानती हैं ये हिंदुस्तान और चीन के उस मसले की बात है जिसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कांग्रेस की राजनीति भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आपको चीन पर इतना भरोसा? मुझे देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है मुझे। मुझे देश की सेना पर भरोसा है सुप्रिया श्रीनेत। मैं आंख मूंद कर देश की सेना पर भरोसा करती हूँ, 1% भी डाउट नहीं करूंगी, 1% भी नहीं। और अगर आप डाउट कर रहे हैं तो अपने गृहबान में झांक कर देखिए कि आप किस देश के रक्षा मंत्री पर यकीन कर रहे हैं। आपका सोर्स कौन है, कहां से आ रहा है? राजनाथ सिंह ने ये कहा है, आप ना समझना चाहिए जो उन्होंने कहा है, ये आपकी गलती है। मैं फिर कह रही हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा है एक इंच भी जमीन नहीं गवाई है, पीरियड। रीका जी, जब राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि हम अपने फॉरवर्ड फोर्टिफिकेशन से हट रहे हैं, वो कैलाश रेंज से क्यों हट रहे हैं? ये देश जानना चाहता है, इसका जवाब दिलवाइए और इसका जवाब खोजिए। आप सुनिए, वो किसी को देखकर नहीं हट रहे हैं, वो किसी को देखकर नहीं हट रहे हैं। उस जगह से कोई चौथी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, चौथी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा डिसएंगेज का एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। संबित पात्रा, कैलाश रेंज से पीछे हटने के माने क्या है? क्या आप ये जमीन सौंप रहे हैं चीन को? रूबिका जी, मैंने ध्यान से सुना, अब मैं आराम से बोल लूँ और मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। चूंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उनका सोर्स राजनाथ जी का वक्तव्य है, तो मैं वक्तव्य का हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण लेके बैठा हूँ। 13 नंबर पैराग्राफ खोले और मैं जनता के लिए कह रहा हूँ, अंग्रेजी में पहले पढ़ देता हूँ। 13 नंबर पैराग्राफ, आई वॉन्ट टू एश्योर दिस हाउस दैट इन दीज टॉक्स वी हैव नॉट कंसीडर्ड एनीथिंग। हिंदी में, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बातचीत में हमने कुछ भी नहीं खोया है। आप पढ़ सकते हैं, ये सोर्स है। दूसरी बात रूबिका जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, देखिए मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हैं, और हमारी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो भी हिंदुस्तानी है, मैं उन पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे दया आ रही है। क्या है, किस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है? हमारा देश का प्रधानमंत्री कायर है, झुका हुआ है, थका हुआ है, डरा हुआ है, सरेंडर कर दिया, ये क्या है? एक इंडियन होके आप इस प्रकार से, पूरा विश्व आज हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी भारतवर्ष प्रसन्न होता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पूरा भारतवर्ष प्रसन्न होता है, पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मानता है, और राहुल गांधी कहते हैं तो खून की दलाली है, मैं तो आर्मी को मानूंगा ही नहीं, ये आर्मी के जो DGMO है ये तो BJP के एजेंट है। जब एयर स्ट्राइक होता है तो यही राहुल गांधी कहते हैं, क्या पेड़ पौधे गिरा के आ गए, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। आर्टिकल 370 हटता है, पूरे देश में एक माहौल बनता है, राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहते हैं हजारों कश्मीरी मर गए, और उनका यह स्टेटमेंट लेके इमरान खान UN में डोसियर के रूप में सौंपते हैं, और आज डिसएंगेजमेंट, चाइना जैसे देश को झुकना पड़ा है, जिस प्रकार से वो हमेशा अड़ियल रवैया रखता था, आज क्यों झुका है? रूबिका जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। ये जो गाथा है हिंदुस्तान की आर्मी की, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, देखिए आज चाइना क्यों झुका है। नंबर एक, हिंदुस्तान के आर्मी के दृढ़ संकल्प के कारण, हमारी जनता और हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण, रिजॉल्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा, पूरे वर्ल्ड ने हिंदुस्तान के स्टैंड को सराहा और चाइना के स्टैंड को रिब्यूक किया। तीसरा, आप जानती हैं रूबिका जी, कितने कितने माइनस सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हमारे जो जवान थे वो अड़े रहे,
चाइना को लगा ये क्या अड़ेंगे, ये तो नीचे उतर जाएंगे। आप जानते हैं करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, हमारी सरकार ने भी ठान लिया कि कुछ भी हो जाए और जितने भी लॉजिस्टिक्स से हम पहुंचाएंगे अपने आर्मी तक और हमारे जवानों को सलाम है रूपिका जी, वो जवान हटे नहीं। मैं उसका जवाब जानना चाहती हूं, क्या हमने फोर्टिफिकेशन के बाद उस जगह को खाली कर दिया, इसका मतलब यह है कि चीन को सौंप दिया है? मैं एक सेकंड इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट को लाना चाह रही हूं, संबित पात्रा, जनरल सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल सिन्हा, इसके माने क्या है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है, सुप्रिया सुनेत कह रही है वो सच है? देखिए अनुभिका जी, जो राहुल गांधी 100% जो कह रहे हैं ना, वो लाइज और मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। इतनी संसार बात कर रहे हैं, जब आपका पूरी गाथा, आपका सर ऊंचा होना चाहिए पूरे विश्व में। आज उस मोरल को हमारे जवान जो इस ठंड में भी बैठे हुए और देश की रक्षा के लिए बलिदानी दे रहे हैं, उसके लिए आप इस तरह के शब्द बोलते हैं कि आपने जमीन दे दी? अरे एक इंच का एक मिलीमीटर यदि जमीन जाएगा तो देश के सब लोग गला कटाएंगे। मैं भी गला कटाने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं भले वेटरन हूं मगर मैंने भी लिखा है कि जरूरत पड़ी तो मैं वहां जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है मेरे जवान, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, और ये सिला देते हैं ये लोग, देश के लोग। और आप रूबिका जी, आप जानती हैं मेरे बेटे भी वहां लड़ रहे हैं, उनके मुंह में तमाचा है, ये उनके स्वर के ऊपर में ये है तमाचा कि हमने जमीन दे दी। अरे जमीन का एक कण भी जाएगा तो हम लोग नहीं बैठेंगे। मैं इनके डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कांग्रेस और बीजेपी के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, मगर एक फौजी जिसका आज भी बेटा, आज भी उसके सब लोग फौज के लिए मर मिटने के तैयार हैं, तो इस तरह की बातें जब मैं सुनता हूं तो हमें दुख नहीं, हमें यह लगता है कि कहां पहुंच गए, किसके लिए हम लोग का बलिदानी देते हैं। यह झूठ, सरासर झूठ है, झूठ है। जमीन नहीं गई है, एक इंच जमीन नहीं गई है। ये तीसरी बार रिपीट किया जा रहा है, मुझे लगता है चौथी बार रिपीट किया जा रहा है। पहले रक्षा मंत्री ने रिपीट किया, उसके बाद संबित पात्रा, के सिन्हा, कर्नल दानवीर, व्हाट डू यू हैव टू से? सर आप तो वहां पर रहे, इनफैक्ट मेजर जनरल सिन्हा भी वहां पर रहे हैं, आप खुद कर्नल दानवीर वहां पर अपनी सर्विसेज देकर आए हैं, मुझे ये बताइए ये हम जमीन देकर आ गए गिफ्ट में चीन को? लो भाई तोहफे में ले लो। देखिए जो राहुल गांधी का बयान जिसके ऊपर ये पूरी चर्चा केंद्रित है, इसके दो पहलू हैं। एक पॉलिटिकल पहलू है जो संबित पात्रा जी ने बहुत बखूबी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया है। एक मिलिट्री पहलू है, मिलिट्री पहलू को मैं उजागर करना चाहूँगा। ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि कैलाश रेंजेस से क्यों वापस हटने की बात हो रही है, सेना क्यों हट रही है, तो मैं ज्ञानी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा 1993, 1995, 2005 और 2013 का एग्रीमेंट जो चाइना के साथ हुए हैं ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, इसके तहत हमको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर पीछे अपनी सेनाओं को रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और निर्धारित कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो कि सिर्फ हम मैन कर सकते हैं। तो जब हम इस एग्रीमेंट पर पहुंच रहे हैं तो हम ये जितने भी मुहिदे हमारे चाइना के साथ हुए हैं उनका संज्ञान लेते हुए, उनको कंसिडर करते हुए ये एग्रीमेंट लिया जा रहा है। और अगर कैलाश से हम वापस जा रहे हैं तो ये ना भूलें कि चाइना भी फिंगर 4 से फिंगर 8 को जा रहा है। ये वही इलाका है फिंगर 4 और फिंगर 8 का इलाका जहां पिछले 2 साल से हमको पेट्रोलिंग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या दो डिफेंस एक्सपर्ट और संबित पात्रा की कही बातों को आप समझ पाई है? मेरी समझ पर आप सवाल मत उठाइए, मैं समझ पाई हूँ। मैं आज भी अपनी पोजीशन पर रहूंगी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एक्सपर्ट्स, देयर आर मेनी अदर एक्सपर्ट्स हु आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, इनसे बिल्कुल विपरीत बात उनका आकलन है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बिल्कुल रूबिका जी, मैं यहाँ पे इनको ये बोलूंगा कि इनके एक्सपर्ट अलग हैं, देश के एक्सपर्ट अलग हैं, बीजेपी के एक्सपर्ट अलग हैं, तो एक्सपर्ट्स भी बटे हुए हैं ऑन द पॉलिटिकल लाइंस। दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, एंड शी इज ट्राइंग टू से दैट इनका एक्सपर्ट ज्यादा एक्सपर्ट है, और जो भी कोई इनके खिलाफ बात करेगा या इनसे मिलती जुलती बात नहीं करेगा तो वो एक्सपर्ट
नहीं है, वो छोटा एक्सपर्ट है। आई एम सो सॉरी टू से कि इंटेलेक्चुअल डिप्रेविटी है इस समय और मजबूरी है जो और खिसियाट है जो इस तरीके से आपको दिखता है। जब आप बोल रहे थे आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। नो आई डिडंट लाइक, आई डिडंट लाइक द वे यू सेड कि हमारे वाले एक्सपर्ट, हमारे वाले एक्सपर्ट का क्या मतलब है, हमारे वाले एक्सपर्ट का क्या मतलब है आपका, हमारे वाले एक्सपर्ट और हम कौन है? हमारे वाले बिल्कुल नहीं कहा सर, आपने सुना नहीं, मैंने एक बार भी हमारे आपने बोला ना कि कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसा है सर, हाँ। कि मैं जो बहस करती हूँ ना ज्यादातर बहस ना पॉलिटिकल अपोनेंट से करती हूँ, मैं इसलिए पहले बोल गया था। नहीं आपने, आप एक्सपर्ट्स को बीच में लेके आई, आपने मेरे एक्सपर्टीज पर सवालिया निशान खड़ा करा, इसलिए मेरे को इंटरजेक्ट करना पड़ा, इसीलिए अदरवाइज कोई मेरे को कोई आपसे लेना नहीं। बिल्कुल गलत बात है, मेरा एक्सपर्ट तेरा एक्सपर्ट ये बिल्कुल गलत बात। वेरी सैड, मैं एक बार अपनी बात खत्म कर लूँ, फिर आप लोग बोलिएगा। ये तो क्वेश्चन आपको एक ऑफर करनी चाहिए ना बाकी पैनलिस्ट को भी। मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। एक सेकंड। सुप्रिया श्रीनेत, वो उनको कोई बात ना पसंद आई और उन्होंने बहुत बेबाकी से वो नापसंदगी की बात को रख दिया है, जैसा आप बेबाकी से रखती हैं। उनको पूरी आजादी है ये बात कहने की। उन्होंने क्या कहा और आप अग्री करती हैं? लेकिन मैंने अपने टर्न का वेट किया ना, इसकी बात मैं कह रही हूँ। थोड़ा डिसिप्लिन डिस्कोर्स हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये कैसा डिसिप्लिन है, ये कैसा डिसिप्लिन है कि आप हिंदुस्तान को एक साइड में रख देते हैं और आपके न जाने वो कौन से एक्सपर्ट है। मुझे नहीं पता है कि उनको एक्सपर्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप उनकी बात मानते हैं और रक्षा मंत्री और सेना की बात नहीं मानते हैं। ये कैसा डिसिप्लिन है, मुझे ये बताइए। आपके सारे पैनल को मैं फिर से कह रही हूँ, आपके सारे पैनल को लगता होगा कि कैलाश रेंज छोड़ना अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है, मैं क्यों उनसे अग्री करूंगी? मैंने एक बार भी नहीं कहा हमारे एक्सपर्ट, मैंने कहा बाकी बहुत सारे। ये किसने बोला आपको, ये किसने बोला कि कैलाश रेंज को खाली करना अच्छी बात है? ये आप बताइए कहाँ बोला, कहाँ बोला कि ये कैलाश रेंज को छोड़ना अच्छी बात है? आप ये बताइए ना कहाँ बोला, किसने, कौन से एक्सपर्ट ने बोला कि कैलाश रेंज को खाली करना अच्छी बात है? आप ये बताइए कि कहाँ बोला कि कैलाश रेंज को खाली करना अच्छी बात है? ये किस एक्सपर्ट ने बोला, हम में से किसी ने बोला, मैंने बोला, जनरल के सिन्हा ने बोला कि ये अच्छी बात है? आपको आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, आप अपनी तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियन बना ले तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज द प्रॉब्लम। आपके एक्सपर्ट और उनके एक्सपर्ट, ये प्रॉब्लम है। देश के एक्सपर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रिया जी, ये कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, ये देश के लिए, ये देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखने वाले लोग हैं। इनके साथ आप बहस में पड़ेंगी तो हर बार मुंह की खाएंगी, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये देश के जाबाज हैं जिनसे अभी आप बात कर रही हैं, एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं है, ये देश के सैनिक रह चुके हैं, अपनी सर्विसेज दी हैं। डिसएंगेजमेंट जो चीन और हिंदुस्तान की सेनाओं का हो रहा है उन इलाकों में जहां पर बात बन गई है, क्या कुछ अभी अपडेट है बता देती हूँ क्विकली। पेंगोंग लेक के दक्षिण में तीन जगह से दोनों देशों के टैंक हट रहे हैं और ये बता दूं इनमें से कुछ टैंक 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक पीछे चले गए हैं। पहले इन जगह पर दोनों देशों के टैंकों की पोजिशन महज 40 से 50 मीटर थी, सभी एडम बेस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर अब पहुंच रहे हैं। फिंगर एरिया से भी चीन सेना पीछे हटना शुरू कर चुकी है। फिंगर नंबर 8 से पीछे जाने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका जो है स्पेशली फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक कुछ 25 किलोमीटर बताया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं और बातचीत किस बात पर हो रही है, इस बात पर नहीं कि चीन जो है वो घुटने टेक चुका है, इस बात पर नहीं कि चीन डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गया है, इस बात पर नहीं कि ये चीन जो न जाने कितने देशों के जमीनों को हड़प चुका है, हमारे आगे आकर उसे ये बात माननी पड़ती है कि पीछे हटेंगे और इस तरीके से हटेंगे। राहुल गांधी के बयान पर हम डिबेट कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स को, आर्मी को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, कावर्ड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थूक कर चाटना शब्द का इस्तेमाल करते हैं संबित पात्रा। और ये भी कहा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि आप देश को झूठ परोस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ डिसएंगेजमेंट के नाम पर। देखिए रूबिका जी, ब्रेक से पहले मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था क्योंकि एक्सपर्ट्स को लेकर डिबेट हो रहा था। आप बताइए मुझे और देश बताए मुझे, ये राहुल गांधी कितने बड़े एक्सपर्ट हैं?
आज से चंद दिनों पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहिए। यही राहुल गांधी चीन को लेकर कह रहे थे, आर्मी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वी डोंट नीड एनी आर्मी, व्हाई डज इंडिया नीड एनी एयरफोर्स, किसानों को आगे बढ़ा दो वही लड़ेंगे, आर्मी की आवश्यकता नहीं है, एयरफोर्स की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सपर्ट है, ये काय का एक्सपर्ट है राहुल गांधी, काय का एक्सपर्ट है? ये ऐसा एक्सपर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट है जो इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट है जो प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट जो रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं करता, जो किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करता, उस एक्सपर्ट को समझाने के लिए हमें एक सेकेंड भी खर्च नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड भी खर्च करना बिल्कुल जाया है। वी शुड नॉट वेस्ट वन सेकेंड ऑन दिस कोट एंड कोट एक्सपर्ट कॉल एज राहुल गांधी। मैं फिजूल की डिबेट में पढ़ूंगी नहीं इनके साथ। राहुल गांधी जो है अगर उनका ये 10 बार नाम नहीं लेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। मैं एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहती हूँ, सिर्फ आया नाम है क्योंकि मैं एक्सपर्ट से यूजुअली डिस्कशन करती नहीं हूँ, आई स्टैंड बाय यू, बट क्योंकि आपने जबरदस्ती मेरे से डिस्कशन करना शुरू कर दिया, जवाब देंगे। डेप्टैंग ऑपरेशनली इंपॉर्टेंट हमारे लिए है या नहीं है? अगर है तो क्या हमें उससे डिसएंगेज नहीं करना चाहिए? सबसे पहले वहां पर हमारी सियाचिन से सप्लाई होती है डीबीओ से, डीबीओ एयरशिप से। दूसरा क्या हम तीन पर डिसएंगेजमेंट की बात नहीं कर रहे? माई क्वेश्चन एटलीस्ट ऑफर मी द कर्टेसी टू फिनिश माई क्वेश्चन। मैं आप मुझे बात करिएगा ना, आप बीच में मत बोलिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आई एक्सपेक्ट द सेम कर्टेसी। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, प्लीज गो अहेड। ऑपरेशनली ये है कि नहीं, कैलाश रेंज से पीछे जाना इज दैट अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव? हमें वहां पर डटे नहीं रहना चाहिए? क्या आप चीन पर भरोसा कर सकते हैं? चीन से 18 बार प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, साबरमती से झूले और महाबलीपुरम का डिनर तक देख लीजिए। चीन ने पहले डोकलाम में क्या किया और अब लद्दाख में क्या कर रहा है, ये सबको पता है। और इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, फिंगर 3 से फिंगर 8 में जो बफर जोन बनी है वहां पर हम गश्त कर सकते थे, क्या अब हम गश्त कर सकते हैं या नहीं? ये बफर जोन हमारी टेरिटरी में बन के हम क्यों पीछे हट गए, ये पूछना तो जरूरी है। आपके आपके तीन सवाल, आपके तीन सवाल, आपके तीन सवाल। सबसे पहला सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहला आपने बोला कि क्या देपसांग इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां डिसएंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, तो आप मेरे को बताइए किसने बोला कि वहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं होना चाहिए और वो अनइम्पॉर्टेंट है? बी, आपने कहा कि कैलाश रेंजेस से पीछे हटना क्या स्ट्रेटेजिकली वाइज है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि उसी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की वजह से आज चाइना पीछे हट रहा है। चाइना जो चीज हासिल करने आया था चाइना हासिल नहीं कर पाया है, चाइना मजबूर हुआ है, आपकी इकोनॉमी से 3 गुना बड़ा, आपकी सेनाओं से 3 गुना ज्यादा मजबूत, वो चाइना आज मजबूर हुआ है पीछे हटने को। अगर चाइना की बैलेंस शीट देखें तो चाइना ने कुछ नहीं पाया, चाइना ने खोया है। और तीसरा सवाल, आपका तीसरा सवाल कि फिंगर 4 से फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग करते थे, आप मेरे को बताइए कि लास्ट पेट्रोलिंग कब हुई, क्योंकि आपके अलग सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। मैं बताता हूं, लास्ट सेट ऑफ पेट्रोलिंग फिंगर 8 के ऊपर आज से 2-2.5 साल पहले हुई। और अब चाइना जो कि बिलिजरेंट था, चाइना जिसने अंदर जिसने अब आप इनको पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, नाउ कर्नल दानवीर बिकम्स अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इसलिए क्योंकि क्योंकि वो आप वो आपके राग में राग नहीं अलाप रहे हैं तो वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। शब्दों का थोड़ा चयन ठीक से किया करिए रूबिका जी, आप ये नहीं, आप मुझे बताइए ना, अरे मुझे नहीं, आपको एक सेकेंड अगर शब्दों के प्रयोग को आपको किसी को समझाना है तो राहुल गांधी को समझाइए, रूबिका लियाकत को नहीं। ना राहुल गांधी को समझाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, रूबिका लियाकत को मत समझाइए। मुझे ये बताइए कि मैंने थूक कर चाटना शब्द का इस्तेमाल किया, आपके राहुल गांधी ने किया? क्या मैंने कायर शब्द का इस्तेमाल किया, आपके राहुल गांधी ने किया? क्या मैंने ये कहा कि इस्तेमाल किया जा रहा है सेना को, एयरफोर्स को, इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है? तो
शब्दों की मर्यादा सुप्रिया श्रीनेत किसी को सिखानी है तो आप राहुल गांधी को सिखाइएगा। आपकी राग में राग ना अलापने वाले, आपकी राग में राग ना अलापने वाले कर्नल दानवीर अभी भी डिफेंस एक्सपर्ट है, सैनिक है देश के, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है। जनरल सिन्हा, रूबिका फॉर साइड में एक सेकंड चाहता हूं मैं। आप कह रही हैं हमारे देश के मोरल, हमारे देश के मोरल के आर्मी को डाउन कर रही हैं। जो आप ये झूठ सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, तीन सवाल और तीन सवाल का जवाब सुने आप। पहला बात, आपने कहा कि दफ्तान के अंदर में डिसएंगेजमेंट होना, दफ्तान पता है आपको, प्लीज प्लीज फॉर द गॉड सेक प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। खेतिहर ना खालिस्तानी नहीं होते जिनको आप खालिस्तानी बुलाते रहते हैं। मैम आप डिफेंस एक्सपर्ट है ना, तो सोचा आपको बता दूं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग, मैंने 7 साल नौकरी की है, आप मुझे डिफेंस एक्सपर्ट ना कहें। आप डिफेंस, आपको नहीं कह रही है, आपको नहीं कह रही हूँ, नॉट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग मिस्टर सिंह, नॉट यू। प्लीज सुप्रिया जी, आपने बहुत बोला, मेरे तीन बातों का जवाब सुने आप। एक सेकेंड, कैलाश रेंज आपसे पूछ करके, राहुल गांधी से पूछ करके हम नहीं गए थे, हम गए थे इन रिस्पॉन्स ऑफ फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक, क्योंकि उसको रिट्रीट कराना था, और आपसे पूछ करके हम वापस नहीं आएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक है, मूव है, ये काउंटर स्ट्रोक है, और काउंटर स्ट्रोक आप बताएंगी क्या करना है, आप बताएंगी कैसे हम करना है, आप फौज को बताएंगी। मेरा भी देश है ना, बिल्कुल मैं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी मैं, ये मेरा भी तो देश है। रूबिका जी, आपने हाजीपीर पास क्यों दे दिया, क्यों दे दिया 71 के बाद, क्यों दे दिया 71 के बाद, हमने तो 67 में किया था, 71 में चाइना की औकात नहीं थी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की। अरे आपने पॉलिटिकल बना दिया है, सुप्रिया श्रीनेत आपने पॉलिटिकल बना दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे के पूरे मसले को, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को पॉलिटिकल बना दिया है। सुप्रिया आप ये पॉलिटिकल बनाया है, ये पॉलिटिकल बनाया है। अगर पॉलिटिकल नहीं होता सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आप एक बहुत समझदार महिला है, मैं एक एडवाइस देती हूँ, आप इसको पॉलिटिकल नहीं बनाते। मैं बताती हूँ कैसे, मैं बताती हूँ कैसे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना करके, अपनी सेना की बात को मानकर, अपने रक्षा मंत्री की बात पर विश्वास करके। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद 30 सेकंड अनइंटरप्टेड सुप्रिया आपको मिलेंगे। संबित पात्रा, जनरल सिन्हा एक सेकंड, अब थोड़ा सा मुझे सुन ले प्लीज, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जरा मुझे सुन लीजिए 10 सेकंड। वो चीजें कभी ना होती जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर मैं उनकी मीडिया एडवाइजर होती तो उनको सेना के अगेंस्ट जाने के लिए कभी ना कहती। अगर मैं उनकी मीडिया एडवाइजर होती तो उनको, वो हो ही नहीं सकती है, सही बोला आपने, मुझे नहीं बनना उनका मीडिया एडवाइजर। ठीक है सुप्रिया जी, आई एम सॉरी, लेट्स प्लीज प्लीज अलाउ मी, अलाउ मी, संबित पात्रा अलाउ मी, दिस आप ये हो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड प्लीज मुझे सुन लीजिए 10 सेकंड के लिए। रूबिका जी मैं निवेदन करूंगा, रूबिका जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं इसका जवाब शो खत्म होने से पहले मिल जाएगा। आप याद करिए, पहला ट्वीट राहुल गांधी ने जब चीन का पूरा प्रकल्प हुआ था तो पहला ट्वीट किया था मोदी सरेंडर, मोदी झुक गया, मोदी डर गया और मोदी चुप गया। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम आगे बढ़े हैं। आज कह रहे हैं कि अच्छा इतने स्ट्रेटेजिक पोजिशन कैलाश पे बैठे थे तो क्यों छोड़ रहे हो, पहले आप बताइए। उस समय तो कह रहे थे कि इंडिया की आर्मी ने कुछ नहीं किया, इंडिया की आर्मी तो चुप गई, झुक गई, डर गई। आज बोल रहे अच्छा आप तो आगे बढ़े थे, पीछे क्यों आ रहे हो। आप आज बताइए और बता के जाना पड़ेगा, वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू अदरवाइज। हम सुनना चाहते हैं राहुल गांधी आज मानते हैं कि नहीं कि इंडिया, माइंड योर लैंग्वेज फर्स्टली, ये क्या लैंग्वेज, अरे माइंड राहुल गांधी लैंग्वेज, अरे माइंड राहुल, गो एंड टीच कार्टून राहुल गांधी, जाओ सिखाओ राहुल गांधी को पहले लैंग्वेज क्या होता है, अरे पप्पू को सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है, पप्पू को सिखाओ पहले, पप्पू को सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है, पप्पू को सिखाओ पहले लैंग्वेज क्या होता है। जो कहता है देश का देश कायर है,
जो कहता है थूक के चाट दो, उसको सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है। ये अहंकार, ये अहंकार, बदतमीज आप है, बदतमीज आप है, बदतमीज आप है, यू आर बदतमीज। आप यहाँ एक्सपर्ट के साथ लड़ी है, आप एंकर से लड़ी है, आप बदतमीज है, बदतमीज नंबर वन आप है। एक सेकंड, रुक जाइए आप दोनों। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज, गद्दार हो आप, प्लीज सर, सर प्लीज, मैम प्लीज, एक सेकंड, सुनते हैं नहीं, एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेत मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, आप नहीं नहीं, समित पात्रा प्लीज प्लीज प्लीज, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, देखो इनको, डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, सुप्रिया जी प्लीज, दो कौड़ी के हैं, सुप्रिया जी, कर्नल दानवीर दो कौड़ी के, सिन्हा जी दो कौड़ी के, हम और आप दो कौड़ी के, सारे अठन्नी के, तो यही है, हम सारे दो कौड़ी के हैं, यही है, और अभी मुझे एक रुपया यही है, लैंग्वेज पर ज्ञान दिया जा रहा है, सुप्रिया श्रीनेत रुक जाए, रूपिका जी, जैसा राहुल गांधी वैसे ही उनके प्रवक्ता है, जैसे राहुल गांधी वैसे ही उनके प्रवक्ता है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, जैसे इनके राहुल गांधी वैसे ही। सुप्रिया श्रीनेत, डॉक्टर पात्रा, अपनी अपनी बात कहिए, पर भाषा की मर्यादा, नॉट फेयर सर, एंड मैम टू। सुप्रिया श्रीनेत, क्लोजिंग रिमार्क। मेरा सिर्फ एक सवाल है और जो मैं इसको पब्लिक डोमेन में जरूर रखना चाहूंगी, 2015 में चाइना ने एक व्हाइट पेपर ऑन सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स लाया था और उसने बोला था कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और तिब्बत को वो अपना हिस्सा बनाएगा। उस पर इंडियन गवर्नमेंट और 2014 से मोदी जी की ही सरकार है, उसने एक भी प्रतिक्रिया नहीं करी, आपत्ति नहीं जताई और चीन के साथ गलबहियां करते रहे। उसी का नतीजा आज है कि चीन हमें आंखें दिखाता है और चला जाता है। देखिए, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि हर किसी को देश पे, देश की सेना पे, देश के प्रधानमंत्री, देश के पार्लियामेंट पे भरोसा है, मगर कुछ लोग जिस प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप देखिए इतने वर्षों तक, एक वर्ष ऑलमोस्ट हो गया, एक वर्ष तक कांग्रेस पार्टी कहते रही कि इंडिया की आर्मी एक इंच आगे नहीं बढ़ी, हमारी जमीन चली गई, बल्कि राहुल गांधी तो 1200 किलोमीटर बोल रहे थे, दिल्ली तक बोल रहे थे जमीन चली गई, आज बोल रहे हैं कि कैलाश हिल्स तक बैठे, वहां से खाली क्यों कर रहे हो, तुम तो आगे बढ़े थे, तो क्यों डरपोक क्यों बताया था, साहसी बताना था, सरेंडर क्यों बताया था, रोरिंग बताना चाहिए था, आज झूठ पकड़ा गया। दूसरा, ये पूछ रहे थे चीन पे भरोसा कर सकते हैं क्या, आप बताइए, चीन पे भरोसा तो नेहरू जी के जमाने से नहीं कर सकते थे, मगर जाके एमओयू क्यों साइन किया था चोरी चोरी चुपके चुपके 2008 में, और देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी दो कौड़ी के हैं, हम भी दो कौड़ी के हैं, दो कौड़ी का कौन है, सुप्रिया जी, डॉक्टर पात्रा प्लीज, आप अक्सर एक दूसरे के साथ डिबेट में रहते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी के साथ ऐसी स्थिति ना आ जाए कि दोबारा ना बैठ पाए डिबेट में। सो प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है, मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है, हादसे में 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं, पीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ABP News, आपको रखे आगे।